क्या हुआ जब अपने इच्छाधारी नाग की मौत का बदला लेने के लिए इच्छाधारी नागी ने की सारी हदें पार, और ये पूरी घटना जानकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले है आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव जमनपुर के एक खेत के समीप एक कुआं स्थित था जिसमें एक बड़ा सा इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा निवास करता था। और एक रात में वही इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर भ्रमण करने के लिए गांव में चली गई, और उस समय वो इच्छाधारी नाग कुएं के पास ही सो रहा था और कुएं के पास काफी अंधेरा भी था। और उसी समय राजू और संधू धाम के दो व्यक्ति अपने दिन का काम निपटा कर अपना ट्रक लेकर वहीं से निकल रहे थे। ट्रक की स्पीड ज्यादा होने के कारण एवं अंधेरा ज्यादा होने के कारण संधू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका ट्रक इच्छाधारी नाग की पूंछ के ऊपर से निकल चुका था। उसके बाद जब राजू को देखा कि एक सांप उनके ट्रक के नीचे आ गया तो उन्होंने संधू को ट्रक का ब्रेक लगाने के लिए कहा, और जब संधू ने ट्रक का ब्रेक लगाया और नीचे उतर कर देखा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है। जब राजू और संधू को इस बात का पता चला कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उस नाग को उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और अपना ट्रक लेकर वहां से घर की ओर चल दिए। उधर वो इच्छाधारी नागिन जब कुएं के पास पहुंची तो उसने अपने इच्छाधारी नाग को कुएं में मृतक अवस्था में देखा तो वो देखकर उनके हाल बेहाल हो गए। इच्छाधारी नागिन ने उसकी नाग के आंखों में देखकर उस कातिल का पता लगा दिया था, और उस समय इच्छाधारी नागिन के दिमाग में केवल एक चीज चल रही थी और वो थी कातिलों का बदला। और इसीलिए इच्छाधारी नागिन ने उस समय एक प्रण लिया कि जिन दो कातिलों ने मेरे नाग को मुझसे अलग किया है उन दोनों कातिलों को इसी कुएं में लाकर मारूंगी। इच्छाधारी नागिन ने उस कुएं में रहकर कई सालों तक राजू और संधू का इंतजार किया, लेकिन राजू और संधू ने उस रास्ते से निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन इच्छाधारी नागिन अपने नाग के कातिलों का बदला लेने के लिए रात दिन तड़प रही थी और इसलिए उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। इसलिए उस इच्छाधारी नागिन ने एक तय किया कि वो गांव में जाकर ही अपने नाग के कातिलों का बदला लेगी, और उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपना वेश बदल कर जमनपुर गांव में पहुंच गई। गांव में पहुंचने के बाद उस इच्छाधारी नागी ने अपने नाग के कातिलों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन वे कहीं पर नहीं मिले। लेकिन एक दिन जब राजू और संधू बाजार से अपने घर की ओर पैदल जा रहे थे तभी एक साधारण सी कन्या का रूप लिए उस इच्छाधारी नागिन का उन दोनों पर ध्यान गया। अत्यधिक सुंदर होने के कारण राजू और संधू भी उस सुंदर कन्या पर आकर्षित हो गए, और ऐसे में सुंदर कन्या का रूप धारण किए उस नागिन ने राजू और संधू को अपनी सुंदरता पर लुभाना शुरू कर दिया, और राजू और संधू भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। और तभी उस लड़की ने राजू और संधू से कहा कि आओ तुम्हें मैं स्वर्ग की सैर कराती हूँ, और वे दोनों भी बेसुध हो गए थे और उनके पीछे पीछे चल पड़े। उस कन्या की सुंदरता में राजू और संधू इतने अधिक पागल हो गए थे कि उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं रहा कि वे उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने एक इच्छाधारी नाग का कत्ल किया था। और जैसे ही राजू संधू और वो सुंदर कन्या उस कुएं के पास पहुंचे तब वैसे ही उस सुंदर कन्या ने अपना एक विशाल सा इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लिया। नागिन के भयंकर रूप को देखकर राजू और संधू के पसीने छूट गए और एक दूसरे की ओर देखकर कांपने लगे। उस इच्छाधारी नागिन ने राजू और संधू को अपनी बात का पक्ष तक नहीं रखने दिया कि भूलवश उनके नाग की मौत हो गई थी, और डस डस कर राजू और संधू को कुएं के पास ही खत्म कर दिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शवों को उसी कुएं के अंदर फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग को फेंका था। और अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था और पुनः वह उसी कुएं के आसपास रहने लगी।
तो दोस्तों एक बात का हमेशा ख्याल रहे कि कहीं पर आपको इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा देखने को मिले तो उन्हें मारना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन का इंतकाम महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बनता है।